हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हरिति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ASP.NET के अंदर, वो है किस तरीके से हमने जो सीरीज शुरू की थी हमने ऑनलाइन बुक स्टोर वाली, उसके अंदर हम लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हमने आपको जो इम्प्लीमेंटेशन थी होम पेज के अंदर कैटेगरी वाइज बुक्स, जो बुक की जो कैटेगरीज थी उनके रिलेटेड, जो ये वाला आप देख पा रहे हैं इस तरीके का जो इम्प्लीमेंटेशन हमने किया था। तो आज की एग्जांपल के अंदर हम जो है उसी होम पेज को जो है फर्दर इम्प्लीमेंट करेंगे ऑनलाइन बुक स्टोर वाले को, मगर आज की एग्जांपल के अंदर हम जो है इस तरीके से फीचर्ड बुक्स जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे। तो बड़ा ही अट्रैक्टिव जो है हमारा ये कम्प्लीट होम पेज है, जिसको हम डे बाई डे आपको जो है वो इम्प्लीमेंट करना जो है वो बता रहे हैं। तो चलिए, ये उसी सीरीज का अगला नेक्स्ट पार्ट है। अगर आपने हमारी ऑनलाइन बुक स्टोर वाली जो वीडियो सीरीज थी उसको नहीं देखा, तो हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट के थ्रू आप जो है वो फर्स्ट डे से जो है वो सीख सकते हैं किस तरीके से हम ऑनलाइन बुक स्टोर वाला जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं ASP.NET के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लास्ट हमने कब कहाँ तक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना छोड़ा था। आप देख पा रहे हैं यहाँ तक हमने जो है वो इम्प्लीमेंट किया था, कैटेगरीज बुक्स जो थी वो वहाँ तक हमने इम्प्लीमेंट कर लिया था। अब हम फर्दर जो है जो फीचर्ड बुक्स हैं ये वाला पार्ट हम जो है आज की वीडियो के अंदर जो है वो कंप्लीट सीखेंगे कैसे हमने इम्प्लीमेंट करना है। चलिए, टाइम वेस्ट किए बिना हम अपने इस प्रोजेक्ट को जो है वो स्टॉप कर देते हैं और अब हम जो है इसकी फर्दर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए, सबसे पहले इस फीचर्ड बुक्स वाले पार्ट को कम्प्लीट करने के लिए हमारे पास जो इमेजेस हैं इन बुक्स की वो होनी चाहिए। तो मैंने पहले से ही जो इंटरनेट से इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड करके रखी हुई हैं। आपने करना क्या है, इस तरीके से आपने जो है इमेजेस को डाउनलोड करना है और उन्हें उनकी जो डायमेंशन है वो आपने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हर एक इमेज की जो डायमेंशन है वो आपने एक जैसी रखनी है। मैंने इसमें 150x250 जो है वो डायमेंशन ले रखी है। तो इस सारे ही फोल्डर को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसे हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर आप देख पा रहे हैं मैंने एक इमेजेस नाम का फोल्डर जो है वो क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर हम इसको जो है सारे के सारे फोल्डर को पेस्ट कर देते हैं। तो अब आप देख पा रहे हैं जो फीचर्ड बुक्स वाली जो इमेजेस हैं वो मेरी प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इम्पोर्ट हो चुकी हैं। तो अब मैं करना क्या है, मैंने सबसे पहले हम यहाँ पर जो ASP.NET के अंदर जो HTML की कोडिंग है उसके थ्रू इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और बाद में हम उसी तरीके से जैसे हमने लास्ट वीडियोस के अंदर CSS की कोडिंग के थ्रू जो लेआउट है उसको और भी अट्रैक्टिव किया था, उसी तरीके से हम जो है वो करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक कमेंटिंग लाइन जो है वो क्रिएट कर देता हूँ ताकि आपको ईजली जो है प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो पता चल पाए कि कौन सा कोड जो है किस इम्प्लीमेंटेशन के रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैंने जो है एक कमेंटिंग लाइन जो है वो ऐड कर दी है। अब मैं यहाँ पे एक div टैग को यूज़ करूँगा, एक क्लास को जो है वो नेम प्रोवाइड करूँगा। तो मैं यहाँ पे इस क्लास का नेम रखूँगा स्मॉल कंटेनर। आप नेम कोई भी रख सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि सेम नेम आपको जो है वो CSS की कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे जो है H3 टैग को यूज़ करूँगा, हेडिंग टैग को, और इसके अंदर लिखूँगा फीचर्ड बुक्स। तो चलिए, H3 टैग जो है वो मेरा यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया। अब मैं यहाँ पे एक और div टैग यूज़ करूँगा, यहाँ पे क्लास का जो नेम है वो यहाँ पे मैं इसको प्रोवाइड करूँगा row2। तो एक रो की तरह हमने इसको क्रिएट करना है और रो के अंदर हमने कॉलम बाय कॉलम जो है वो यहाँ पे बुक्स जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है। तो यहाँ पे मैंने 4 बुक्स जो हैं वो ली हुई हैं। तो चलिए, अब मैं यहाँ पे कोडिंग की तरफ चलता हूँ और रो 2 के अंदर हमने
कॉलम्स जो हैं वो यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट कॉलम पहली बुक के लिए यूज़ करूँगा, कॉल हाइफन 4। इस तरीके से क्लास का जो नेम है वो मैंने रखा है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने हर एक कॉलम के अंदर एक इमेज, उसके बाद में बुक का नेम, उसके बाद में उसकी कॉस्ट और उसके बाद में एक बटन। तो ये चार चीज़ें हर एक कॉलम के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवानी है। एक रो है और साथ में हमारे पास यहाँ पे चार कॉलम्स हैं चार बुक्स के लिए। आप इसके इससे ज़्यादा भी जो है वो कॉलम्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे पहला कॉलम जो है वो क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे इमेज टैग को यूज़ करूँगा, बुक की इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए पिक यूआरएल को यूज़ करूँगा, और इमेजेस के अंदर जो फीचर्ड बुक्स हैं इनमें से पहली जो बुक की जो इमेज है उसको मैं सिलेक्ट करके ओके करूँगा। अब मैं यहाँ पे इसकी जो विड्थ और जो हाइट है वो स्टैटिकली जो है वो प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पे विड्थ 150 और यहाँ पे हाइट जो है वो हमने यूज़ करनी है 250। तो चलिए अब मैं यहाँ पे इस इमेज टैग को जो है वो बंद कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे जो है बुक का नेम डिस्प्ले करवाने के लिए H4 टैग को यूज़ करना है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा मेक योर ओन लक। इस तरीके से बुक का जो नेम है वो हमने यहाँ पे जो है वो टाइप करना है। बाद में फर्दर जब मैं इस होम पेज को इम्प्लीमेंट करना आपको बता दूंगा, बाद में कहीं फर्दर आगे वीडियोस के अंदर मैं आपको डायनामिकली डेटाबेस से कैसे बुक्स की इमेज, उसका नेम, उसकी कॉस्ट हमने फेच करनी है, तो वो डायनामिकली हम बाद में सारा वर्क जो है वो करेंगे ASP.NET के अंदर। अब हमने यहाँ पे एक बटन यूज़ करना है, उसका जो स्टाइल है वो डायरेक्टली हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। इस बटन का स्टाइल जो विड्थ इसकी है वो हमने डायरेक्टली 100% जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे मैं सेमी कोलन लगा देता हूँ। अब मैं इस बटन टैग को यहाँ पे क्लोज करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय नाउ। अब हमने यहाँ पे एक NBSP इस तरीके से एक स्पेस जो है वो यहाँ पे एम्बेड करनी है बाय नाउ, और साथ में हमने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बाय नाउ के साथ हमने फॉन्ट अवेसम जो मैंने पहले वीडियोस के अंदर आपको बता दिया था, जब इस तरीके से हमने होम के साथ जो आइकॉन है, अबाउट के साथ जो आइकॉन है, शॉप प्रोडक्ट के साथ जो आइकॉन है, तो ये आइकॉन्स हमने फॉन्ट अवेसम से ही जो है वो यूज़ करके फेच किए थे, तो उन्हीं को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं आई टैग को यूज़ करता हूँ और यहाँ पे क्लास का नेम प्रोवाइड करता हूँ FA शॉपिंग कार्ट। तो इस तरीके से जो है हमने शॉपिंग कार्ट की जो इमेज है, जो आइकॉन है, वो फॉन्ट एमएसएम की हेल्प के साथ जो है वो डिस्प्ले करवाना है। तो चलिए यहाँ पे बटन भी मेरा जो है वो ऐड हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ तक इसको एक बार रन करके दिखा देता हूँ कि क्या इफेक्ट हमारा जो है वो पड़ा है फीचर्ड बुक्स के अंदर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से विदाउट जो है यहाँ पे हमने कॉस्ट अभी तक जो है वो डिस्प्ले नहीं करवाई। तो चलिए कॉस्ट भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं, फिर ही मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो बटन से पहले यहाँ पे H4 टैग के बाद हमने कॉस्ट को डिस्प्ले करवाना है, तो कॉस्ट को हम एज ए पैराग्राफ टैग के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पे 150 रुपीज़ स्टैटिकली जो कॉस्ट है वो मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवा देता हूँ। इसको एक बार रन करके आपको दिखा देता हूँ अब इसके ऊपर जो है वो हमारा क्या इफेक्ट पड़ा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक बुक की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमने कर दी है। अब हमने इसी तरीके से जो हमारी बाकी तीन बुक्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करनी है। तो वो किस तरीके से करनी है, आपने बड़ा ही ईजली जो है इसको यूज़ करना है। आपने जो यहाँ पे DIV क्लास है जिसका नेम आपने रखा है कॉल हाइफन 4, इस सारे कोड को आपने कॉपी करना है और यहाँ पे जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप बुक्स को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उतने नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो आप यहाँ पे पेस्ट कीजिए। तो मैंने चार बुक्स को यूज़ करना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 टाइम्स जो कोड को जो है वो फर्स्ट टाइम मैंने आपको इम्प्लीमेंट करना बताया और अब मैंने 3 बार उसको जो है वो कॉपी पेस्ट किया है। तो अब हमने करना क्या है, डायरेक्टली यहाँ पे हर एक इमेज को जो है वो चेंज करना है।
इसके बाद में हम पिक करेंगे फ्रॉम यूआरएल, और अब मैं सेकंड वाली इमेज को जो है वो वन रेंज्ड मटर, इसको जो है वो सेलेक्ट करूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा। अब मैं यहाँ से जो बुक का नेम है वो यहाँ पे लिखूंगा, वन अरेंज्ड मर्डर। तो चलिए बुक की कॉस्ट जो है वो आप एडिट कर सकते हैं 250, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मैंने इसी तरीके से जो तीसरे नंबर वाली बुक है वो यहाँ से उसका जो सोर्स है वो यहाँ पे यूआरएल जो है वो पिक करना है, और अगली मेरी जो फीचर्ड बुक्स बुक में जो इमेज है वो है थिंक एंड ग्रो रिच, इसको मैं ओके करूँगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं ये क्यों दिखा रहा है इस तरीके से। तो इसको मैं एक बार सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ पे जो है इसका जो बुक का नेम है वो एडिट करता हूँ, बड़ा ही इजी है, लिखूंगा थिंक एंड ग्रो रिच। तो चलिए यहाँ पे आप चाहें तो इसकी जो कॉस्ट है वो एडिट कर सकते हैं। अब मैं अपनी फोर्थ बुक के अंदर जो यूआरएल है, सोर्स है जो इमेज का, उसको मैं जो है वो एडिट करने जा रहा हूँ, ताकि चौथे नंबर वाली जो बुक है वो मेरी डिस्प्ले हो पाए। तो यहाँ पे चौथी बुक मैं थिंक लाइक ए मॉन्क इस तरीके से सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे इसका जो नेम है बुक का वो भी चेंज कर देते हैं, थिंक लाइक ए मॉन्क। और चलिए यहाँ पे जो कॉस्ट है वो भी आप एडिट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने जो फीचर्ड बुक्स वाली जो यहाँ पे कोडिंग थी पेज के अंदर, वो हमने यहाँ पे एडिट जो है वो कर दी है। तो अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ ताकि आप देख पाएंगे किस तरीके से ये जो कोड है ये इफेक्ट करता है आपके। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से अगर मैं विदाउट सीएसएस इसको डिस्प्ले करवाने की कोशिश करूँ तो कुछ अच्छा जो है वो यहाँ पे पेज नहीं बन पाया। अब हम इसके अंदर जो है वो सीएसएस को अप्लाई करेंगे, और जैसे ही हम सीएसएस को अप्लाई करेंगे तो हमारी जो आउटपुट है वो इस तरीके से जो है वो निकल के आएगी। तो चलिए अब मैं इस वाली कोडिंग को जो है वो उसको सीएसएस के साथ जो है वो अटैच करूंगा। तो अब आप जो है जरा थोड़ा सा ध्यान से आप जो है इसको कवर अप कीजिएगा, बड़ा ही सिंपल और ईजी है। हमने लास्ट जो होम पेज जो सीएसएस वाली कोडिंग थी वो यहाँ तक की थी, कॉलम -3, और इसके अंदर हॉवर के ऊपर हमने इम्प्लीमेंटेशन की थी। अब हम जो कोडिंग करेंगे वो करेंगे यहाँ पे फर्दर। तो हमने यहाँ से क्लास को यूज़ करना है सबसे पहले स्मॉल कंटेनर, और उसके अंदर जो S3 टैग है उसके अंदर जो है हम अप्लाई करेंगे अपनी सीएसएस की कोडिंग। तो सबसे पहले डॉट स्मॉल कंटेनर, और अब हमने यहाँ पे S3 टैग को यूज़ करना है, और उसके अंदर सीएसएस अप्लाई करेंगे सबसे पहले डिस्प्ले, यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्लेक्स। और अब हमने यहाँ पे जो जस्टिफाई कंटेंट जो उसकी एक प्रॉपर्टी है उसको हमने यहाँ पे सेंटर्ड करना है, और यहाँ पे मार्जिन को हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पे 30 पिक्सल टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट 0 पिक्सल। और अब हमने यहाँ पे लेटर स्पेसिंग जो है वो यूज़ करनी है, और यहाँ पे 2 पिक्सल जो है वो हम यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको मैं सेव कर देता हूँ, एक बार अपने जो कोड को जो है वो मैं रन करता हूँ, और अब आप देख पाएंगे इसमें क्या यहाँ पे चेंजेस जो हैं वो निकल के आई हैं। तो आप देख पा रहे हैं जो फीचर्ड बुक्स हैं वो यहाँ पे जो है सेंटर में जो है वो अलाइन हो चुका है। तो चलिए अब हम जो कोडिंग करेंगे वो करेंगे इस -4 के ऊपर। तो यहाँ पे मैं कोडिंग लिखता हूँ, कॉलम कॉल -4 -4, इस तरीके से नेम लिखूंगा, और उसकी जो विड्थ है वो मैं यहाँ पे 170 पिक्सल जो है वो यहाँ पे सेट करूँगा हर एक कॉलम की, जहाँ पे भी हम बुक्स को जो है वो डिस्प्ले करवाने जा रहे हैं हर एक बुक के अंदर। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करके बता देता हूँ, तो हर एक पार्ट जो होगा यहाँ पे इस कॉलम का उसकी जो विड्थ है वो हमने सेट कर दी है। अब हम फर्दर जो है वो कॉलम -4 के अंदर जो हमारा H4 टैग है इसके ऊपर सीएसएस जो है वो अप्लाई करेंगे। इस तरीके से हमने कोड लिखना है, और यहाँ पे जो है हम इसकी भी जो ओवरफ्लो रैप है वो हमने इसकी प्रॉपर्टी को करना है ब्रेक एंड। चलिए इसको मैं सेव कर देता हूँ, ताकि
क्योंकि विड्थ हमने स्टैटिकली ले ली है 170, अगर यहाँ पे किसी बुक का नेम जो है वो इससे बाहर हुआ तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो रैप हो जाएगा नेक्स्ट लाइन पे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है ये वाला कोड जो है वो ओवरफ्लो रैप जो है वो यूज़ किया है। अब आप देख पा रहे हैं हमने ये वाला इस तरीके से अगर मैं माउस इसके ऊपर लेके आता हूँ तो आप देख पा रहे हैं थोड़ी सी ट्रांजिशन जो है वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म जो है वो निकल के आ रहा है, थोड़ी सी मूवमेंट यहाँ पे निकल के आ रही है। तो ये मूवमेंट हमने किस तरीके से अप्लाई करनी है तो बड़ा ही इजी है। यहाँ पे लिखेंगे कॉल -4 और यहाँ पे हॉवर के अंदर जो है हम CSS अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म जो है प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे वाई डायरेक्शन की तरफ और -5 पिक्सल। इस तरीके से जो है वो हम जो है वो कोड जो है वो लगाएंगे। चलिए इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब हमने जो नेक्स्ट कोड लिखना है वो लिखना है कॉलम -4 के अंदर जो हमारे पास यहाँ पे इमेज है इसको हमने सेट करना है। तो बड़ा ही सिंपल है, इसको किस तरीके से सेट करेंगे, कॉलम -4 इमेज और यहाँ पे जो इमेज की जो विड्थ है वो हमने नॉर्मल से 110% लेनी है, ताकि थोड़ी सी जहाँ पे जो इमेज है वो थोड़ी बड़े साइज में जो है वो निकल के आए। इसको मैं सेव करवा देता हूँ यहाँ पे। और अब हम जो है इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं पेज जो हमारा लास्ट यहाँ पे हमने इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया था। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से हमारा जो जो आउटपुट है वो निकल के आई है। अब हम फर्दर जो है वो कोड लिखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमने जो है क्योंकि यहाँ पे मेरी जो डेटा है वो यहाँ पे एक ही कॉलम में जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, इसको हमने इस तरीके से करना है ताकि एक रो के अंदर 4 कॉलम्स जो है वो डिस्प्ले हो पाए। तो इसके लिए हमें जो कोड है वो इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, इस रो 2 के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो किस तरीके से CSS हमने इस रो 2 के ऊपर अप्लाई करनी है वो हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हमने home.css के अंदर जाना है और यहाँ पे जो है हम लिखेंगे डॉट रो और यहाँ पे यूज़ करेंगे 2। अब हमने यहाँ पे जो है डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यूज़ करना है और यहाँ पे फ्लेक्स यूज़ करेंगे और उसी तरीके से फ्लेक्स रैप को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और उसके अंदर हमने जो है वो रैप जो है वो सेट करना है। और अब हम जस्टिफाई कंटेंट जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं हर एक लाइन के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं आपको बता सकता, तो आप हर एक इस प्रॉपर्टी को गूगल पे सर्च कीजिए और उसके बारे में थ्रेटिकली आप जो है वो और भी जो है वो नॉलेज उसके रिगार्डिंग जो है वो गेन कीजिए। तो चलिए यहाँ पे स्पेस अराउंड इस तरीके से यूज़ करेंगे और इस मैक्स विड्थ जो रो की है वो यहाँ पे सेट करेंगे। टोटल पेज का 70% पार्ट ही हम जो है वो विड्थ जो है वो यूज़ करेंगे और यहाँ पे जो मार्जिन है उसको हम जो है वो ऑटो यूज़ करेंगे। चलिए इसको मैं एक बार सेव करता हूँ और अब मैं अपने पेज को जो है वो रिफ्रेश करके देखता हूँ जो लास्ट टाइम हमारी इस तरीके से जो आउटपुट थी वो निकल के आई थी। तो मैं इसको जैसे जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मेरा जो फीचर्ड बुक्स वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे देखने में जो है वो नज़र आया है और हमारी जो आउटपुट है वो बिल्कुल सही निकली है। अब हम जो है इस तरीके से नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम जो लेटेस्ट बुक्स जो है वो इसी तरीके से जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे। तो ये आपके लिए एक प्रैक्टिकल काम है क्योंकि मैंने ये वाला पार्ट आपको बता दिया है फीचर्ड बुक्स। तो जब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो नहीं आती तब तक आप जो है लेटेस्ट बुक्स जो वाला जो जो पार्ट है वो खुद इम्प्लीमेंट कीजिए क्योंकि ये सेम ही है। आप कोशिश करेंगे तभी आपको प्रैक्टिकली नॉलेज जो है वो मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए कि कुछ इसी से सीख के आप कुछ डिफरेंट जो है वो करने की जो है वो यहाँ पे कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। अगर आपने हमें फाइनेंशियली अभी तक डोनेशन नहीं की इस चैनल को तो जल्दी से डोनेशन जो है वो अपनी प्रोवाइड कर दें। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
आपकी डोनेशन जो है वो एज ए मोटिवेशन जो है हमारे लिए काम करेगी। हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो जो है वो सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लेके आएंगे। और अगर आपने हमारी पेन ड्राइव अभी तक ऑर्डर नहीं की तो जल्दी से 999 रुपीज़ की जो है हमारी पेन ड्राइव अवेलेबल है। स्टॉक के अंदर काफ़ी सारी पेन ड्राइव्स अवेलेबल हैं, काफ़ी मेंबर्स ने जो है वो ऑर्डर किए थे, उनके जो ऑर्डर्स हैं वो सक्सेसफुली उनके पास जो है वो पहुंच चुके हैं। और इसी तरीके से आप भी ऑर्डर कर सकते हैं और उसके अंदर आपको 500 से ज़्यादा जो है वीडियो ट्यूटोरियल्स जो है वो मिल पाएंगे ASP.NET के रिलेटेड। साथ में उसकी जो है वो कोडिंग भी हम जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कोरियर के चार्जेस फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, पेन ड्राइव भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।